Assalamualaikum everyone, hope so you all are doing well. आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी क्या होती है, एक्नी होती क्यों है, क्या उसका रीज़न है, एक्नी आपके क्यों हो रही है, एंड आपको बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें बताऊंगी जो आप घर में ईजिली आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं भी हैं तो भी आप किन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन पे एक्नी होती क्यों है। बेसिकली स्किन के अंदर स्किन फॉलिकल्स होते हैं जो कि ब्लॉक्ड हो जाते हैं। किस वजह से ब्लॉक्ड हो जाते हैं? जो हमारी स्किन में से ऑयल की प्रोडक्शन हो रही होती है, डेड स्किन सेल्स हमारी स्किन पे जमा हो रहे होते हैं, वो स्किन फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। उसके सूरत में क्या होता है, हमारी स्किन में से सीबम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो एक सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उससे सीबम की प्रोडक्शन होती है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, आपकी स्किन के अंदर एक्नी एंड पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी एक्नी को इजीली घर पे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपके साथ दो रेमेडीज शेयर करूंगी, ऑप्शनल में आप दोनों में से किसी की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज डैट आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर एड कर दें एंड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जाएगा और वो है ग्रीन टी। आपने क्या करना है, ग्रीन टी आपने ले लेनी है। इसका आपने जस्ट एक टी बैग आपने ऐड करना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके डाल रही हूँ ताकि इसका जो असर है वो ज़रा ज़्यादा आए। आप वैसे भी टी बैग को इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसको ओपन करके ग्रीन टी को इसके अंदर डाल दें। आपने इसको तब तक बॉयल करना है ऑलमोस्ट नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, 3 से 4 मिनट काफ़ी हैं। आपने इसको बॉयल करना है, जब अच्छी तरह से इसका कलर निकल आए ना, सारा असर आपको पता लगना शुरू हो जाए कि हाँ अब पानी के अंदर इसका असर सारा निकल आया है, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने वाटर को रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। आपने इतनी क्वांटिटी इनफ है, आप इसको रख लें। इसको बहुत देर तक आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कम भी आप क्वांटिटी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्किन और बालों के लिए ग्रीन टी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना। सबसे पहले तो ग्रीन टी का जो फर्स्ट और मेन बेनिफिट है ना, वो यही है कि वो एक्नी को ट्रीट करता है और आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसके साथ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में हेयर ग्रोथ स्प्रे थी, उसके अंदर भी मैंने ग्रीन टी के बेशुमार फ़ायदे बताए थे कि आपके बालों के लिए ग्रीन टी के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपके हेयर लॉस, आपके डैंड्रफ को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प आउट करती है ग्रीन टी, तो इन सब चीज़ों के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। आपने क्या करना है, जब ये अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए रूम टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो जब ये रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन हो जाए फिर आप इसको स्ट्रेन कर लें। ईजिली आप इसको स्ट्रेन कर लें, इसका पानी जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा ना, वो हमने अपनी एक्नी को ट्रीट करने के लिए वो वाला पानी हमने यूज़ करना है, और जिसका रिमेनिंग पोर्शन ग्रीन टी यहाँ बच जाएगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो हमारे किसी भी यूज़ में नहीं। आप कर सकते हैं रेमेडीज़ में यूज़, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे जस्ट हमें इसका ये पानी ही चाहिए। अब आप इसका पानी देख सकते हैं, एक शक्ल से ना एक हर्बल चीज़ लग रही है कि हाँ, क्योंकि ना जैसे कोई मेडिकेटेड चीज़ है, कोई हर्बल, कोई जड़ी बूटियों से ना तैयार की होती है ना, उस तरह ये लग रही है। लेकिन ये एक इंग्रेडिएंट ना, आप खुद भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि ग्रीन टी क्या एक्नी को ट्रीट करती है, तो आपको बहुत सारे इसके अमेजिंग आंसर्स मिलेंगे। आपने जस्ट सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपने फेस को सबसे पहले वॉश करना है अच्छी तरह से, ताकि कोई भी डर्ट वगैरह ना हो, ये ना आप बाहर से आ रहे हो डायरेक्टली इसको अपनी स्किन पे लगा रहे, नहीं। सबसे पहले कोई सा भी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ले लें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इक्षा ऑर्गेनिक का जो फेशियल किट बताई थी, उसके अंदर मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप वो वाला ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ले लें, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, आप इसको दिन में 3-4 बार लगा सकते हैं इजीली। जस्ट आपने कॉटन बॉल लेनी है, इस तरीके से आपने कॉटन बॉल को उसके अंदर डिप करना है, एंड डिप करने के बाद जहाँ जहाँ फेस पे आपकी एक्नी हो रही है ना, वहाँ जस्ट आपने ना सिर्फ उसको टैप टैप करना है, सिर्फ ये काम है इस रेमेडी का। और ये आपके विद इन 3 to 4 days इतना कम कर देगी ना। और याद रखिएगा, इसको रब ना कीजिएगा एक्नी के ऊपर अपनी, सिंपली कुछ सेकंड्स के लिए, विद इन 2 seconds उसको रखें स्किन के ऊपर अपनी, लाइक आपके चिन पे अगर हैं, आपके चेक्स पे हैं या फोरहेड पे हैं, इस तरीके से आपने क्या करना है, उसको जस्ट टैप टैप करना है और आपने छोड़ देना है बस। फिर उसको भूल जाए हमने अपनी स्किन पे कुछ लगाया भी था, क्योंकि फौरन ड्राई हो जाएगा तो इसका इतना पता भी नहीं चलेगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेमेडी को। अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाह रहे ना, तो आप सेकंड किस चीज़ की तरफ जा सकते हैं,
वो रेमेडी क्या है, आपने क्या करना है, एक बाउल लें, मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ, उसमें हाफ चम्मच या एक चम्मच ना मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है ऑलरेडी क्या क्या है। उसके अंदर आपने टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। टर्मरिक पाउडर एक्ने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके साथ साथ आपने उसके अंदर अ पिंच ऑफ टर्मरिक, ओके, उसके अंदर आपने हनी को डाल देना है। हनी भी एक्ने एंड पिंपल्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। अगर आप सिंपल भी हनी को अपने पिंपल्स के ऊपर लगा के सो जाए ना, तो ये मैजिकल एक चीज़ कितना काम करेगा। अब आपने इसकी बेस किस तरह बनानी है, आपने इसको मिक्सअप किस तरह करना है, आप रोज़ वाटर यूज़ कर लें, रोज़ वाटर कोई सादा मिक्स कर लें या दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपने स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करनी है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है इसके अंदर, और आपने इसका पैक बना के अब जहाँ जहाँ आपने आपकी एक्ने है ना, वहाँ वहाँ आपने जस्ट लगा लेना है। यहाँ मैं बस ये वाली मुल्तानी मिट्टी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक्चुअली मैं ये वाला ना हर्बल ब्रांड है, तो मैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ। मेरे पास सईद गनी की है, और मेरे पास यहाँ पे जो रोज़ वाटर है ना, वो भी सईद गनी का है यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ये था हमारा सेकेंड रेमेडी। अब मैं ऑप्शंस की तरफ जा रही हूँ कि अगर आप ये दोनों भी नहीं ट्राई करना चाहते तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, ये एक्ने के लिए बहुत ही बेस्ट है, बट जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको मत यूज़ कीजिएगा। पहले लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर तो इरिटेशन नहीं हो रही तो आप इसकी तरफ जाएं। और अगर आपने इसको लगाना किस तरह, वो मैं आपको बता दूं। सिंपली लाइक अगर एक चम्मच आप ले रहे हैं ना एप्पल साइडर विनीगर का, उसमें 3 से 4 चम्मच सिंपल पानी के डालें, उसको मिक्स करके फिर अपनी स्किन के ऊपर ड्रॉप्स की तरह जहाँ एक्ने वहाँ लगा लें। टी ट्री ऑयल जो स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप किसी भी ब्रांड का टी ट्री ऑयल ले लें और उसको अपने जो आपके पिंपल्स हैं, एक्ने हो रही है ना आपको, तो सिंपली उसके ऊपर आप अपने जस्ट एक्ने वाले एरिया के ऊपर, उसके ऊपर आप लगा लें। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी यहाँ पे एलोवेरा। एलोवेरा आपकी जो स्किन है ना, एक तो इरिटेशन को भी कम करती है, इसके साथ साथ पिंपल्स और एक्ने को भी ये ट्रीट करने में हेल्प आउट करती है। तो आप सिंपली जो मार्केट से एलोवेरा मिलती है ना, उसको भी यूज़ कर लें, और उसको क्या करें, रात को लगा के सो जाएं, तो ये भी एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है जिनके स्किन पे एक्ने हो रही होती है। फोर्थ ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शहद जो होता है ये एक्ने एंड पिंपल्स को बहुत जल्दी कम करता है। तो सिंपली अगर शहद को भी रात को लगा के आप सो जाए ना, तो ये भी आपकी एक्ने एंड पिंपल्स को कम करेगा। तो यहाँ पे इतने सारे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो जो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले आई थिंक इतने इनफ हैं कि इस अगर आप एक चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएँ, तीसरी या चौथी चीज़, कुछ ना कुछ तो होगा ना। आपको इस चीज़ के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपके एक्ने हो क्यों रही है। आप फिर उस चीज़ का ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन की तरफ आप जा रहे हैं ना, पहली बात तो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो आप इजीली एक्ने को ना घर पे ट्रीट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, आप वो कर लें तो आप एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपकी एक्ने किस वजह से हो रही, क्या इशू चल रहा है। जो मेजर इश्यूज़ होते हैं ना एक्ने के, या तो वो स्ट्रेस की वजह से, या आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, या कोई डाइटरी इफेक्ट हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव ऑयल की जिनकी स्किन पे प्रोडक्शन होती है उनके बहुत एक्ने होती है, और जिनका स्टमक मोस्टली डिस्टर्ब रहता है उनको बहुत एक्ने होती है। सबसे पहले अगर आपको स्वेयर किस्म की एक्ने है ना, तो पहले अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर नॉर्मल आपको एक्ने होती रहती है तो आप इन रेमेडीज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले इशू को फाइंड करें कि है क्या। तो जिनके एक्ने स्पॉट्स हो जाते हैं ना एक्ने के बाद, तो उनको मैं ये वाला रिकमेंड करूँगी, ईशा ऑर्गेनिक्स का। ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, तो आप बगैर किसी डरो को आपके इस ब्रांड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्ने वाले इस मसाज क्रीम की तरफ जा सकते हैं, ये आपके ब्लैक हेड्स को भी इसके साथ साथ ख़त्म करती है, और आपके डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्पॉट्स को कम करती है पहले से। तो इन सब में से जो मैंने आपको पहली वाली रेमेडी बताई, ग्रीन टी वाली, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें टाइम नहीं लगता बनाने में, अगर आप इसको ही आप देख लेना तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं काफ़ी डेज तक। तो सिंपली अपने जस्ट एक्ने वाले पोर्शन पे इसको लगाइएगा, और आप इसको स्प्रे बॉटल में भी रख के अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। लेकिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे विद इन 3 to 4 days। और एलोवेरा का यूज़ भी ज़रूर कीजिएगा, और हनी भी इजीली आपकी एक्ने और पिंपल्स को कम करता है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी कि एक्ने किस वजह से होती है और एक्ने की प्रोडक्शन क्यों होती है हमारी स्किन के ऊपर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जजाकल्ला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।